तो वीडियो शूट करते करते बज गया है 12:00 कुछ हो गया सुबह। शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जय महाकाल जरूर लिख देना। जय छठी मैया, जय हो। हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राधाराज गोरखपुर में। तो दोस्तों आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज है, आप लोग को पता होगा, छोटी छठ, जो दिन भर उपवास रहते हैं, शाम को भेली का भात और मतलब पूरी चाय जो भी रोटी रोटी खाते हैं। तो आज मेरी मम्मी है, तो मैं थोड़ा तैयार हुई हूँ शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए छठ पूजा का। तो चलो आप लोग को दिखाती हूँ मम्मी क्या क्या मेरी कैसे कैसे कर रही है। आप लोग देखिए, यहाँ पे मम्मी मेरी तिल के तेल में पूड़ी छान रही है। छठ पूजा का बर्तन मेरी मम्मी अलग रखती है, हर साल यूज करती है। और वहाँ पे उसमें बना है भेली का भात, मतलब गुड़ का भेली का जो भी खीर होता है, पानी गिर गया तो गुड़ की मतलब भेली का खीर है और दूध डाल के। और यहाँ पे मम्मी पूड़ी छान रही है, यहाँ पे दूध है, अभी चाय बनाई है और पानी गिर गया। मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आज दोस्तों मेरी मम्मी पूरे दिन व्रत थी और शाम को जो आप बोलते हैं ना छोटी छठ पूजा, तो आज छोटी छठ पूजा है, पूरे दिन उपवास रहेंगे और यही खाएंगे। सूरज, मम्मी सूरज डूबने से पहले, ये चंद्रमा डूबने से पहले, चंद्रमा भगवान डूबने से पहले खाएंगे। और मम्मी पापा, दोस्तों मम्मी पापा दोनों व्रत हैं, हर साल व्रत रहते हैं। और मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गया होगा ना मम्मी, 7-8 साल हो गया मेरे मम्मी पापा को व्रत रखते हुए। और जैसा नियम शुरू से करती आई हैं वैसे ही नियम कर रही हैं। लेकिन अब लोग बाग मतलब बड़ी छठ भुगते हैं, छोटी छठ नहीं भुगते हैं, लेकिन दोनों भुगना चाहिए नहीं मम्मी? दोनों जो ये लोग छठ मैया का खिलवाड़ समझती हैं, तो नहीं, कुछ नई नई लेडीज आई हैं जो छठ पूजा शौक से भी करती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो नियम है वही करना चाहिए। और मेरे पापा भी व्रत हैं, मंदिर के पास बैठ के माता जी को अपने मना रहे हैं। फलो ला गया ना पापा? तो दोस्तों फल सब कुछ आ गया, इसमें फल अभी नहीं निकाले हैं, अभी वीडियो बनाने के लिए हम निकालेंगे शॉर्ट वीडियो। तो आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहे, अभी दिखाते हैं आगे कैसे क्या है, सारा कुछ हम सजाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे हम आप सबको किस तरीके से माँ छठ का विनती की जाती है और आराधना की जाती है। तब माँ छठ देवी आंगन प्रवेश करती है, आ करके वही स्वयं रक्षा करती है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहे। यहाँ पे छोट को अपना पूरी बघार रही है अपने खाने के लिए। अपने लिए बना रही हो? तो देखिए यहाँ पे हम सबके लिए पूरी छोट को अलग बना रही है, क्योंकि वहाँ पूजा वाला मम्मी बना रही थी तो वो अलग बनाई थी थोड़ा सा, उसमें से प्रसाद हम लोग को मिलेगा। और घर के खाने के लिए भी छोट को बना रही हैं। और कुछ कहा छोट को सपोर्ट करेंगे? हाँ तो नहीं बोल रहा था, सपोर्ट कीजिए राधा दी को और उनके वीडियो पे पूरा फुल भी हो जाए। यहाँ पे पूजा करके पापा मम्मी जा रहे हैं, पूजा करके खाएंगे, यहाँ पे बोलेंगे नहीं हम लोग। तो ऐसे आप लोग शांति से देखिए, यहाँ पे बोलना टोकना नहीं चाहिए। कहते बोल ना जाने हम बोले चल बात कर रहे हैं बाबा अब तेरे का हेलो ए तिकार रानी बोलो कहां जा रही है ना तेरे को भोजन धर पहले बोला है हमें नीचे खड़े डाल देते हैं हेलो। हेलो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं ससुराल। खाना खाने जा रहे हैं, क्या क्या बना है यही बताएं। पूरी है और आलू सब्जी। तो आइए खा लीजिए पूरी और सब्जी,
जा रहे हैं खाने और हमको छोड़ के कितना मौज काट रहे हैं। चानी विश्वंगुरिया घूम दू बोल रहा मौज पानी लाओ ऊपर से पानी मम्मी आगे रहे। तो दोस्तों खाना खाने के बाद उसके बाद शॉर्ट वीडियो बनाएंगे हम लोग छठ पूजा वाला कुछ आप लोग के लिए। नहीं हम गाड़ी चला के आए नींद लग रहा है हम चले सोने शॉर्ट वीडियो नहीं बनेगा बनाएंगे बोलने की चीज तो आप लोग ऐसे ब्लॉग में बनाएंगे ठीक है। और वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गए हैं ये छुटकी है हस्बैंड वाइफ है मेरे दोनों भाई और ये चाची का छोटा लड़का आप लोग को पहले ही पता है। और यहाँ पे हम लोग इसके इस सब चीज़ की वजह से हम लोग छठ पूजा का एक भी शॉर्ट वीडियो नहीं बना रहे थे तो अब जा रहे हैं बनाने तो आप लोग देख सकते हैं लाइट वाइट नहीं है लेकिन दूसरे की दीवार से काम चला रहे हैं दीपावली का लाइट लगा हुआ है काम चला ले रहे हैं तो आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहे देखते हैं कब तक शूट होता है आप लोग को बताएंगे। इसके बाद शॉर्ट वीडियो बनाने के बाद ब्लॉग को एंड करेंगे तो आप लोग को बताएंगे कितना बजेगा। आप लोग प्यारा सा कमेंट करके जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा और आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहे दिखाते हैं कैसे आगे शॉर्ट वीडियो बनाते हैं क्या करते हैं। तो वीडियो शूट करते करते बज गया 12:00 हो गया सुबह तो आप लोग को गुड मॉर्निंग सुबह का और आज छठ पूजा भी और इधर फोटो शूट करा रहे हैं ये लोग फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पे ये फोटो शूट कर रहा है और मम्मी भी देखते देखते मम्मी मतलब पूजा जा करके बहनी को खिला रही थी देखते देखते अभी मम्मी भी छत पे आई है और ये मोहन भी चग रहा है ले रखी गोदी में। और दोस्तों एक बुरी चीज़ भी हो गई हम लोग के साथ मेरी बहनी तख्त पे से गिर गई है उसके हाथ में मोच आ गया तो आप लोग को दिखाऊँगी अभी तो सो रही है सुबह दिखाऊँगी हाथ ये वाला हाथ यहाँ से गांठ पे से थोड़ा सा सूजन आ गया है तो उसको कल दिखाऊँगी अगर नहीं आराम मिलेगा तो दिखाऊँगी। और इधर फोटो शूट हो रही है हो गया चल खड़ा। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो क्या करना है कमेंट करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना लाइक मारना जरूर लिख देना जय छठी मैया जय हो। अरे दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। और आज का वीडियो इतना ही था जो भी सुबह से हुआ है अभी तक पूजा पाठ लेके मैंने आप लोग को दिखाया गूगल पे नंबर पैसे दिया भैया दोस्तों ऐसे छोटा सा मजाक कर रहा था। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड बाय बाय गुड मॉर्निंग हो रहा है मारा गुड मॉर्निंग बाय बाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट हुआ भैया अब हम लोग सोएंगे तो हम लोग के लिए गुड मॉर्निंग गुड नाइट हुआ लेकिन आप लोग के लिए गुड मॉर्निंग हो गया 12:00 हो रहा है तो बाय। अच्छा बदल लिया इतना कब लग गया।